أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل अल्लाह ताला हमारे जो है वो साथी भी है और हमारे वकील भी है। इस तरीके से अल्लाह ताला पर हमें हर वक्त जो है भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है और हमारे लिए जो है वो हमारे साथ देने वाले हैं। वकील का मतलब ये होता है कि साथ देने वाला, दोस्त। तो अल्लाह ताला हमारे जो है ये साथी हैं, बेसिकली तौर पर हमारे हर मामले में हमारे मददगार है। तो हम जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके ही साथ जो है वो हमारी तमाम ख्वाहिशात और तमाम जो है वो हर चीज़ जो है उसके साथ मुंसलिक है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो हर किस्म की चीज़ें जो है वो अता करता रहता है। तो हिकमत भी अल्लाह ताला की अता की हुई जो है वो नेमत है। तो जिसको अल्लाह ताला हिकमत अता कर देते हैं तो वो उसके दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है और वो जो है वो आगे जो है वो मरीज का वकील बन जाता है, यानी कि मौलिक बन जाता है। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है चेन कड़ी जो है वो जारी रहती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो बेहतरीन मखलूक, इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक जब जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन वो खालिक का मालिक है और इस तरीके से जो है वो हमारा साथ देने वाला है। तो वकील जो है एक साथ देने वाला होता है। तो इस तरीके से हसबुन अल्लाह व निमल वकील, तो अल्लाह ताला हमारे जो है बेहतरीन किस्म के जो है वकील है। तो आज हम तज़किरा करेंगे हकीम मोहम्मद अहमद खान का। हकीम मोहम्मद अहमद खान भी जो है या हकीम अब्दुल मजीद के साहबजादे, जो कि हकीम मोहम्मद अजमल खान के बड़े भाई थे। इनको जो है ये मुशीर मुल्क सानी कहा जाता है। ये भी बहुत मशहूर और ज़बरदस्त किस्म के हकीम थे और बड़े सगीर के अंदर इनका ना सिर्फ बड़े सगीर के अंदर बल्कि जो है पूरी दुनिया के अंदर इनका, जैसे हकीम अजमल साहब का नाम था ऐसे ही इनका जो है पूरी दुनिया के अंदर नाम था। और पूरी दुनिया से लोग इनके पास जो है वो अलाज वालदा के तशरीफ लाए थे, इसीलिए मुशीर मुल्क जो है वो सानी इनको कहा जाता है। हकीम जो है वो अजमल खान के बाद जो है ये हकीम जो है ये सेकेंड जो है, यानी कि सानी का मतलब होता है दूसरे। तो मुशीर मुल्क सानी इसलिए इनको कहा जाता है। तो इनका इलाज भी जो है हकीम अजमल खान की तरह बहुत ही मशहूर और बिल्कुल जो है सेम अपने जो है वो चचा की लाइन पर ही चले। तो ये इनके जो है वो असल में जो है हकीम अजमल खान के जो है वो चचा थे, इनके जो है वो सके भतीजे थे और बड़े भाई के जो है बेटे थे। तो इस तरीके से जो इन्होंने जो है वो हकीम अजमल खान के वफात के बाद दारुल शिफा अजमली के जो है वो बानी भी थे और इसी तरीके से उनके सीट पे भी बैठे और उसके बाद गुजरे अपने चचा की सीट पे बैठे और इस तरीके से जाइए जो तिबिया मदरसा तिबिया था उसमें भी इनका जो है बहुत अहम करदार था और उसमें मुदरस भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, मेंबर भी रहे। तो इनका जो है ये बड़े कारनामे हैं। तो आज छोटा सा इनका एक कारनामा जो है बयान करके हम वाइंड अप करते हैं। तो इनका कारनामा जो है ये कश्मीर के महाराजा थे, उनकी महारानी थी। तो उनको ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि उनको जब उन चेक किया गया तो उनके पित्ते के अंदर पथरी थी। तो हमारे जितने भी भाई हैं पित्ते को निकाल के एक मिनट में बाहर फेंक देते हैं। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जो है पित्ता को बनाया हुआ है। पित्ता हमारे लिए जो है सफरात को जो है वो जमा करता है और ये हमारे जो है जिगर के अंदर जो है निचली तौर पर मौजूद होता है। इसमें जो है वो एक नाली होती है जो इसके अंदर जाती है और वही नाली जो है सफरात को बाहर लेके आती है। असल में ये सफरात का स्टोर हाउस है। पित्ता जो है ये एक सफरा का स्टोर हाउस है जिसमें जो है वो जितना भी सफरा जो है जिगर पैदा करता है उसके अंदर वो स्टोर कर लेता है और उसको जो है बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से ये एक सिलसिला जो है वो जारी रहता है। लेकिन बाद का जो है इसके अंदर जो है कोई खराबी आ जाती है, इसके अंदर कोई रुकावट आ जाती है या कि हमारी जो है गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम जो हो जाती है तो पित्ते की पथरी जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये पित्ते के नीचे जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, पित्ते के मुकाम पर दर्द होना शुरू हो जाता है, कह आनी शुरू हो जाती है और शदीद दर्द होता है कि मरीज जो है वो लागर होना शुरू हो जाता है, उसको शदीद कब्ज की शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो पखाने आने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे जरकान की कैफियत होती है ऐसे मरीज को ऐसे हो जाता है। तो महारानी साहबा को भी जो कश्मीर की महाराजा की महारानी को भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया। तो जब हकीम साहब को पास लाया तो हकीम साहब ने जो है
उनकी तस्वीर जो है पिता की पत्नी करार दी, तो बहुत जो है वो हमारे भाइयों के पास भी लेके गए थे, तो उन्होंने भी जो मुख्तलिफ टेस्टों के लिए जो है वो हजारों रुपए से टेस्ट करके जो उन्होंने जाइए पिते की पत्नी ही बताई थी, लेकिन हमारे हकीम साहब ने सिर्फ नब्ज देख के जो है वो पिते की पत्नी बता दी। तो अब उन्होंने कहा कि इसका तो इलाज जो है डॉक्टर हमारे भाई जो है वो कहते हैं ऑपरेट कर दे, इसको पिते को निकालना पड़ेगा। तो वो कहते कि हमें तो समझ नहीं आती कि वो कौन सी नाली है जिसके लिए जो है ये निकल जाएगी पिते की पत्नी। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक छोटी सी मिसाल उन भाइयों के लिए जो है जो ये समझ नहीं सकते अभी तक, जिनकी जो है वो अकल नाकस हम नहीं कह सकते, हमसे तो अकल उनकी जो है जैसे हमारे ग्रेजुएट्स की अकल हमसे बहुत ज्यादा है, तो वो उतने इसी तरीका से जो है उनकी जो है वो अकल हमसे बहुत ज्यादा आती है मतलब हमारे भाइयों की। तो वो जो है इसलिए बात है कि जैसे कि हम तेल को जो फ्रिज में रख दें तो वो क्या बन जाएगा जी, वो घी बन जाएगा। तो जब उसको दोबारा आग पे रखे तो क्या बन जाएगा, दोबारा घी बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, जिस नाली के लिए जहाँ पिते की पत्नी बनती है उसी नाली के लिए रिमूव होती है। सिर्फ होता यह है कि हम ठंडे पानी पीते हैं, बाद एहतियाती करते हैं, तो सफरात जो है वो जम जाता है, असल में कोलेस्ट्रॉल टाइप होता है। मेरे दोस्त इसको समझते हैं, हमने जो हिकमत पढ़ी है उसमें जो है हमें पढ़ाया गया कि सफरात की माहियत क्या है। तो वो दोस्तों ने हो सकता है दोस्तों ने तो पढ़ा होगा, लेकिन भाइयों ने हो सकता है उसकी माहियत जो है मुकम्मल तौर पर ना समझी हो। हम तो सिर्फ ये हमारे जो प्रिंसिपल अल्लाह को जनरल सिंह करे हकीम जफर हुसैन दहली साहब और हकीम जो है बशीर अहमद चिश्ती साहब यही फरमाया करते थे जब हम पढ़ाया करते थे कि ये जो है इस तरीका से बनती है और इस तरीका से आप उसको जो है उसी को पकड़ा के निकाल सकते हैं। तो पित्ते की पथरी कोलेस्ट्रॉल की पथरी असल में जो है ये जब उसको हम दोबारा पकड़ा देते हैं यानी सफरात को दोबारा लिक्विड शक्ल में ले आते हैं, तो वो जो है उसी रास्ते से जो है जिस रास्ते से वो आया था सफरात स्टोर होने के लिए, लेकिन वो जम गया, ज्यादा देर पड़े रहने की वजह से जम गया, तो उसको हम उसी रास्ते से पला के जो है बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा तरीका इलाज है, तो इसकी वजह से हम इसको जो है निकाल लेते हैं। तो हकीम साहब ने बिल्कुल ऐसे ही किया। तो मैं जो है आपको छोटे से अल्फाज में ये चीज जो है मैं समझा दी है, तो बाकी जो है मेरे दोस्त और मेरे भाई जो है और हमारे ग्रेजुएट जो है इस चीज पे जो इतबार नहीं करते, तो इसलिए जो है हम उनके जो है साथ बहस भी नहीं करते, क्योंकि उनकी समझ में जो है वो हमारी बातें नहीं आती और हमारी समझ में जो है उनकी बातें नहीं आती। तो इस तरीका से हमारे जो इख्तलाफात जो है वो हमेशा से है और हमेशा से रहेंगे, क्योंकि हमारे जो है तिब के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है हम उन पर जो है मुकम्मल यकीन और रब की ज़ात पे मुकम्मल यकीन और शफा के ऊपर जो मुकम्मल जो है इतमाद रखते हैं। तो इस तरीका से जो है जब भी शफा होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो उन्होंने क्या किया कि हकीम साहब का इलाज जो है थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर मैं बयान कर देता हूँ। हकीम मोहम्मद अहमद खान ने जो है सबसे पहले, मैं इसके लिए पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैं इसके लिए जो है सिंपल जो है जैतून के तेल में जो है चंद कतरे जो है नींबू के मिला के देता हूँ, तो चंद दिनों में अल्लाह शफा दे देता है। इसी तरह शहद के अंदर जो है चंद कतरे जो है नींबू के मिला के दे देता हूँ, तो उसको उनको जो है उनको शफा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो हकीम साहब ने जो है कुश्ता हिजरत जुनूद जो है कलमी शोरा और जौखार के साथ इसको इस्तेमाल करवाया। तो इसके बाद जो है मजूर अकरब जो है इनको इस्तेमाल करवाई, जिसके बाद जो इनको जो है समझ मरबक, मेरे दोस्त जानते हैं कि मरबक क्या होता है कि पत्तों का जो है वो फाड़ा हुआ पानी जो है उसको हम मरबक कहते हैं, और शरबत दिनार का इस्तेमाल करवाया। चंद दिन के बाद जो है और पथरी तोड़ जो है दवाई पथरी उनको जो दी, जिसमें चंद दिन के बाद जो है शरबत मजूरी के साथ इसको इस्तेमाल करवाया, और साथ जो है वो चाटले के लिए उनको जो है ये शरबत मजूरी में जो है हल करके जो है पथरी दवाई पथरी जो है वो इस्तेमाल करवाई। तो इस तरीके से चंद दिनों के अंदर जो है ये रबने जतून के साथ दो तोला खाने की हदायत की, जिसमें जो है दर्द की जगह पे रोगने अकरब का इस्तेमाल करवाना तो उनको मशवरा दिया। तो गुजार के तौर पे उनको टीडे और इसी तरीके से दीगर चीजें जो है इस्तेमाल करवाई, और तरी वाली चीजें उनकी बंद कर दी, शोरबे के साथ जो है चपाती को बंद कर दिया, और इसी तरह फलों में अनार और संतरे का इस्तेमाल जो है करवाया।
जिसकी वजह से 5-7 दिन के अंदर जो है उसको उल्टी आनी भी खत्म हो गई और उसके बाद जो है बाकी जो है तमाम चीजें जो है बेहतर होनी शुरू हो गई। तो इसके बाद एक दिन दर्द उनको शदीद हुआ तो पोस्ट खशखाश का इस्तेमाल करवाया, तो पोस्ट खशखाश से जो है वो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और उसके बाद जो उन्होंने हुक्ना कराया, हुक्ना जो है नीमा को कहते हैं, तो नीमा जो है उन्होंने करवाया जिसकी वजह से उसके पेट से जो सुते खारिज होने शुरू हुए। जब उसके पेट से सुते खारिज होने शुरू हुए तो उसमें जो है सफरा भी खारिज होना शुरू हो गया। इस तरह से जमा हुआ सफरा था जो पित्ते के अंदर जमा हुआ था पत्थरी की सूरत में था वो खारिज होकर जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मरीज को शफा हो गई और शरबत दिनार को इस्तेमाल सुबह शाम करवा के जो है वो मरीज को मुकम्मल तौर पर शफाए काबला अजला अता कर दी। तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की और किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ी। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनको जो है ये अक्सीरे जिगर और साथ अक्सीरे गुर्दा इस्तेमाल करवाता हूँ और साथ जो है शहद में जो है वो नींबू गोल के जो है उनको इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इस तरह से जो है वो ज्वार नारायण और जो है वो वजूद नबी दरवाज़ जो है सोजिश के लिए इस्तेमाल करवाता हूँ, तो अल्लाह ताला उसमें जो है शफाए काबला अज़ला फरमा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है लोगों को शफा जो है वो हो जाती है। तो हकीम साहब की सलाह से जो है वो बहुत ज्यादा उनको शफा हो गई और आखिर में जो उन्होंने जो है ये स्कंजबीन का इस्तेमाल करवाया। स्कंजबीन के इस्तेमाल करवाने से जो है शर्ब बजूरी के साथ जो उनको जो है चंद दिनों में जो है वो फायदा हो गया और आखिर में जो है कुछ मलिन जो है 2-4 दिन देने के साथ जो है उनके मजीद सुधे जो है खारिज हो गए। जिगर ने अपना काम शुरू कर दिया और पिता जो है मुकम्मल तौर पर जो है उसके अंदर जो भी पथरिया थी कोलेस्ट्रॉल थे वो भी निकल गए। इस तरीके से मुकम्मल तौर पर जो है वो आराम आ गया। जब उनको जो है दोबारा जो है डॉक्टर के पास लाया गया उन्होंने देखा कि कैसे पथरी निकल गए तो वो हैरान हुए। तो डॉक्टर जो है इसके किस किस्म की बात पे यकीन नहीं करते, हमारे भाई जो है वो यकीन नहीं करते, लेकिन वो पथरी जो है वो खारिज हो गई। इस तरह से हजारों मरीजों को, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सैकड़ों मरीजों को शफा हुई, तो हकीम साहब से जो है वो हजारों मरीजों को शफा हुई। तो मैं जो सैकड़ों मरीजों का जो है वो पित्ते की पथरी का बगैर रिमूवल के इलाज कर चुका हूँ जिसकी वजह से जो है पत्थरी की पथरी जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाती है और दोबारा पैदा होने के लिए हम उसको परहेज करवाते हैं, खास तौर पर ठंडे पानी से, ठंडी जगहों से और ठंडे जो है वो मशरूबात से मुकम्मल तौर पर हम परहेज करवाते हैं जिसकी वजह से दोबारा पथरी नहीं बनती। तो मैंने इसकी थ्योरी आपको समझा दी है अपने दोस्तों को, उनको समझ आ जाएगी, लेकिन हमारे जो है भाई जो है उनको ये बातें समझ नहीं आती। तो वो जो है सिर्फ ऑपरेट ही करते रहते हैं, हर वक्त ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं और रुको भी रहो रुको दुहाई दुहाई। तो आज जो है इतना ही काफ़ी है, तो कल हम जो है वो मजीद जो है सेहत के बारे में, सेहत के असूलों के बारे में मुख्तसर सी बात जो है वो करेंगे। तो शाह साहब की जो है ये बात जो है शाह हुसैन साहब की, तो वो मैं जो है वो कल आपको कहा था कि आपको बताएंगे, लेकिन जो है ये सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो अपने आप को क्योंकि हर्बल डॉक्टर जो है वो समझते हैं जिसकी वजह से जो है उनको नुकसान भी होता है। वो हर्बल की बजाय जो है वो अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो खुद जो है वो इसकी मुसीबत में फंस जाते हैं और जो है इसी तरह से वो हमारा एक ग्रेजुएट था जिसमें जो है ये उसने जो है अपनी मुसीबत जो है अपने खुद गल मोल ले ली, उसने जो है ये अपने आप को हर्बल डॉक्टर बाहर लिखा, तो उसकी वजह से जो है हमारे महकमा को बड़ी परेशानी हुई कि ये कौन से नए जो है हर्बल डॉक्टर आ गए। जब उनकी जो है वो डिप्लोमा ये डिग्री चेक की गई तो वो जो है वो डिग्री जो है हमारे जो है वो डिग्री थी, तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने जो है बड़ा सख्त किस्म का एक्शन हमारे महकमा ने लिया। तो ये जो है इस तरीका से जो है ये असल में जो है ये मैं नहीं कहता कि उनको जो है ये अलाउ नहीं है एलोपैथिक प्रैक्टिस, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमें भी जो है बड़ी कुफत होती है और ये बाद जो है वो जब हमें वो बुला के जो है इस तरह के जो केसेस हमें बताते हैं और उसके पूरे क्लिनिक के अंदर जो है ये और उसने बहस भी की हमसे कि मैं हर्बल डॉक्टर हूँ, तो उसकी जो है वो प्रैक्टिशनर जो रजिस्ट्रेशन थी उसमें जो है वो हकीम लिखा हुआ था, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुए। तो
तो मैं जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो है ये भाइयों से, उन्होंने जो है मेरे दोस्तों के भी नाम लिए, तो मैं जो है अब ये बयान नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए मेरे दोस्तों को, सॉरी भाइयों को, कि वो जो है जिस फील्ड में जो है उनकी डिग्री है वो उसी फील्ड में अगर काम करेंगे तो किसी को भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। हम जो है वो अपने फील्ड को जो है वो मजबूत करेंगे। तो मैंने बहुत से जो है वो होम्यो डॉक्टर्स को जो इस तरह से देखा है कि वो भी इस तरह से परेशान होते हैं, तो हमें जो है परेशानी से बचने के लिए अपने फील्ड को अडॉप्ट करना चाहिए और अपने फील्ड में ही जो है वो काम करना चाहिए। हसबुल्लाह व निमल वकील, तो इस तरीके से हमारा जो है वो अल्लाह हमारा जो है वो वकील बनेगा और हमारा साथ देगा, तो अल्लाह ताला हमें जो है कामयाबी और कामरानियाँ जो है वो नसीब फरमाए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फील्ड के अंदर रह के जाओ और किसी से बहस ना करें। साफ जाहिर है कि महकमे के अंदर जो है ये तमाम जवाबत जो है मौजूद है, उसमें जो है कोई भी जो है ग्रेजुएट जो है जो PMDC रजिस्टर्ड नहीं है वो जो है वो अपने आप को डॉक्टर जो है वो नहीं लिख सकता है, और खास तो और ना ही हर्बल डॉक्टर जो है वो लिख सकता है। तो ये बहस जो है ये जारी है, जिसकी वजह से जो है ये बड़े प्रॉब्लम हमें महकमा सेहत के अंदर जो है फेस करने पड़ते हैं। तो मैं जो है अपने इसीलिए ग्रेजुएट भाइयों से जो है माजत खाऊँ कि मैं उनका जो केस नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो इस तरह से बहस करते हैं कि जिसकी वजह से जो है ये हम जो है महकमे के सामने जो झूठे हो जाते हैं। तो मैं जो है वो अपने ग्रेजुएट भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हम जब भी इस्लामी यूनिवर्सिटी में गए या तो उसके बाद हमने पढ़ा जितना भी, तो हमें यही कहा गया कि आप जो है वो हिकमत की बड़ी डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसमें जो है बड़े अपने खुश हैं और अल्लाह का शुक्र है हम जो है वो अपने फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें हमें किसी भी किस्म का जो कोई डर खौफ और परेशानी नहीं है। तो जब आप किसी दूसरी फील्ड को अपनाएंगे, उसके तरीके हैं, जो बंदा जो है वो दूसरी फील्ड को अपनाना चाहता है तो उसके कुछ तरीके हैं, तो वो जो है वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको जो है वो पूरा प्रूफ के साथ जो है वो PMDC की जो है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जैसे कि वो भी हम जो है वो आप जो ग्रेजुएट हैं जो हमारे वो जो है उनका इम्तहान दे के वो रजिस्ट्रेशन हासिल करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जो कि मेरे पास जो है, क्योंकि मैंने LLB जो है ड्रग लॉ भी मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो इसलिए हम वो तरीके जो है वो अपने ग्रेजुएट्स को बता सकते हैं जिसकी वजह से वो एलोपैथिक प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है ये कुछ हर्डल्स हैं, वो उनको अबूर करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास वो लेटर भी मौजूद है जो PMDC ने जो है वो इशू किए हुए हैं, जिसकी वजह से एक जो है वो, और इसी तरीके से पुराने कानून के मुताबिक जब MS होता था उस वक्त जो है वो कानून जो है वो उसके मुताबिक जो है चार, अगर किसी ने पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद जो है ये चार सब्जेक्ट जो है फार्माकोलॉजी जो है वो पढ़ी होगी, तो वो जो है वो उसका तरीकाकार मैं जो है उनको बता सकता हूँ। इस तरीकाकार से भी आप वो लाइसेंस हासिल करके जो है ये एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अपने नाम के साथ जो है मेहरबानी फरमाएं कि कोई भी जो है इस तरह का नाम बाहर ना लिखे अपने बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से जो है महकमा सेहत को और जो है हमारे जितने भी महकमा के बंदे आते हैं, जिसमें जो है वो हमारे हेल्थ केयर वाले भी आते हैं, उनको परेशानी होती है। तो जिसकी वजह से जो है ये मैं अपने रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उनको हुक्म तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो बड़े लोग हैं, तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो अपने सिर्फ अपना नाम ही लिख लें तो काफ़ी है, जरूरी नहीं जिसने आना है तो वो आपके पास जरूर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मैं माजत खा हूँ कि मैंने जो है अपने ग्रेजुएट्स का दिल दिखाया है, और मुझे खुद दुख है कि जो भी कुछ पिछले दिनों हुआ तो उसमें जो है मुझे बड़ा अफसोस है। तो बड़े खूबसूरत जवान थे वो बंदे, जो है टाई लगाई हुई थी, बड़े पैंट शर्ट पहने हुए थे डॉक्टर साहब ने, तो लेकिन वो हम उसको जो है वो डॉक्टर नहीं कह सकते, तो इसलिए हम जो है वो माजरत खाएं उनसे भी और हमारे जो है जितने भी दोस्त हैं उनसे हम माजरत खाएं। बहुत शुक्रिया सर, भाइयों का और दोस्तों का।